राजस्थान में राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बड़े संगठनों के नेताओं में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। इसकी बानगी जयपुर में शुक्रवार रात देखने को मिली, जहां राष्ट्रीय कर्णी सेना और श्री राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। हालांकि घटनाक्रम में श्री राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना घायल हो गए हैं, तो वहीं राष्ट्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह बाल बाल बच गए। जयपुर पश्चिम पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया होने की सूचना मिली, जिसमें पुलिस हमारे मौके पर पहुंची, जिसमें खाली केस इत्यादि जो है मौके पर मिला है। तो इस घटना की पुष्टि की जा रही है, फायरिंग से किसी को कोई चोट होने की कोई किसी तरह की बात सामने नहीं आई, मारपीट में चोट लगी है उसकी इलाज। घटनास्थल पर फायरिंग के खोल बरामद हुए हैं, हालांकि फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई है। वहीं मारपीट में घायल महिपाल सिंह मकराना को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के वक्त शिव सिंह और महिपाल सिंह मकराना दोनों के पास गनमैन थे। हालांकि मामले की ठोस वजह क्या रही, इसको लेकर पूछताछ अभी जारी है। जानकारी के अनुसार चित्रकूट पुलिस थाने से ही कुछ की दूरी पर राष्ट्रीय कर्णी सेना का कार्यालय है। अध्यक्ष शिव सिंह अपने समर्थकों के साथ वहां बैठे थे, तभी करीब 9 बजे के आसपास महिपाल सिंह मकराना के साथ अन्य लोग शिव सिंह के कार्यालय में आते हैं और शिव सिंह के गनमैन को बाहर जाने का इशारा करते हैं। इसके बाद एक गनमैन जैसे ही बाहर जाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। शिव सिंह का आरोप है कि 4 में से 1 बदमाश ने उसके ऊपर फायर कर दिया, लेकिन गोली उनके पास में से निकल गई। इस दौरान उनके गनमैन ने अपनी बंदूक के बट से बदमाश के सिर पर दे मारा, इससे वो लहूलुहान हो गया और इतने में बाकी समर्थक आ गए। उन्होंने बदमाशों को पकड़ लिया। वहीं श्री राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना का आरोप है कि उनके ऊपर धोखे से हमला किया गया, जबकि उन्हें शिव सिंह ने अपने कार्यालय बुलाया और कर्णी सेना को एक करने की बात कही, लेकिन उल्टे शिव सिंह ने ही अपने गनमैन की बंदूक लेकर खाली जगह पर फायर कर उन पर फायरिंग का आरोप लगाकर हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथ 3 अन्य लोग और शिव सिंह के 30 के करीब समर्थक थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद शिव सिंह राष्ट्रीय कर्णी सेना बनाकर समाज को गुमराह कर रहा था, लेकिन अब वो इसका बदला लेंगे। क्या हुआ पूरा मामला, इसे लेकर अब जांच हो रही है। इधर घटना के बाद महिपाल सिंह मकराना के समर्थक चित्रकूट थाने पहुंचे, यहां पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। महिपाल समर्थक जो हैं शिव सिंह के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। महिपाल की पत्नी वर्षा ने बताया, इनको यानी महिपाल सिंह को धोखे से बुलाकर मारा गया है। इनको पता था कि आदमी अकेला आएगा, उन्होंने पहले से 40 लोग इकट्ठा कर रखे थे, इसलिए उन्हें बुरी तरीके से मारा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी इसी तरह धोखाधड़ी से मारा गया था, उन्होंने मुझे अभी इतना ही बताया है, धोखे से बुलाकर मारा है, फायरिंग उनकी तरफ से हुई है, उन्होंने खुद ने नीचे फायरिंग की है और नाम लगा दिया, इन्होंने फायरिंग की है, महिपाल सिंह मकराना ने कुछ नहीं किया, ये उनकी पत्नी का कहना है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिपोर्टिंग दूंगा, सुखदेव सिंह को ही हैंडल कर रहा था, सुखदेव सिंह को ही मार दिया। तू मारना था, मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी उस सूझबूझ और उसकी वजह से धड़ से मेरे पे फायरिंग मारा तो मेरे गनमैन ने यहाँ पे बट मारा, उसके बट मारते ही वो आदमी गिरा तो मैंने पिस्टल पकड़ा, तो पिस्टल पकड़ते ही ये देखो मेरे हाथ के लग गई, उसने कहा बना सॉरी। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है, हर हफ्ते 5 क्लास होंगी, आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं, तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। आरएनटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी,
डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA, BEd, BSc, BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें RNT एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।